उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के भाट पैचलाना के थाना प्रभारी जीएस मंडोद पर महिला आरक्षक ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता ने इसकी शिकायत उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर से की है। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच के बाद मंडोद यदि दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। दरअसल देवास में पदस्थ महिला आरक्षक ने उज्जैन जिले के भट पाचना के थाना प्रभारी मंडोद के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया है कि मंडोद ने कई मरतबा उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिन पूर्व ही महिला आरक्षक की शादी भी हो गई, इसके बावजूद मंडोद द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। मामले में एसपी ने जांच के बाद कार्यवाही की बात कही है। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। उज्जैन जिले में थाना भाट पचलाना के जो वर्तमान थाना प्रभारी हैं सब इंस्पेक्टर, उनके खिलाफ महिला आरक्षक ने एक आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन को दिया है, जिसमें उसने जो है दुष्कर्म की बात कई वर्षों से लगातार किए जाने की उल्लेख किया है। इस बात की जांच जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एडिशनल एसपी रूरल को दी गई है। जांच में जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, और जो जानकारी के मुताबिक, पेपरों के मुताबिक और सबके की उनके बहुत पुराने संबंध थे कई वर्षों से, और उसके बाद जो है अभी अचानक ये सब चीज़ें क्यों आई हैं, इन सब चीज़ों की जाँच के लिए की जा रही है, और जाँच में जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में वो देवास जिले में पदस्थ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।